हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छा परांठा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने पहले ही बेल के रखा हुआ है। मैं इसके लिए कोई स्पेशल आटा नहीं ले रही हूँ, नॉर्मल जिसकी हम चपाती बनाते हैं। मैंने चपाती के लिए एक्चुअली गूंदा हुआ था आटा। बेटे को लच्छा परांठा खाना था तो मुझे लगा क्यों ना इसी का ट्राई किया जाए। ये नॉर्मल आटा है, आप चाहो तो इसमें मैदा भी मिक्स कर सकते हो, आटा और मैदा मिक्स कर सकते हो। अगर आपका पहले से कोई प्लान है बनाने का लच्छा परांठा तो आटा और मैदा आप मिक्स कर सकते हो। देखिए इस तरह से हमें चपाती की तरह इसको बेलना है। चलिए अब हम इसके ऊपर घी लगा लेते हैं। देसी घी लगा रही हूं मैं। अच्छे से लगा लीजिए देसी घी। अब इसके ऊपर आपने आटा स्प्रिंकल करना है। बहुत ही हेल्दी है ये लच्छा परांठा, क्योंकि मैदे से नहीं बन रहा है, ये ओनली आटा यूज हो रहा है, और वो भी नॉर्मली जो हम लोग चपाती के लिए आटा गूंदते हैं मैं उसी से बना रही हूं। नाइफ ले लीजिए और नाइफ या कटर की हेल्प से आप इसकी लेयर्स कट करेंगे लाइक दिस। अगर आपके पास पिज्जा कटर है आप उससे भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नाइफ से भी कर सकते हैं। बहुत पतली पतली लेयर्स आपको कट करनी है, ऐसे हमें कट लगाना है। बड़ी पतली पतली लेयर्स हमें तैयार करनी है। अब इसे हमें नाइफ की हेल्प से या स्क्रैपर की हेल्प से फोल्ड कर दीजिए। बहुत धीरे धीरे करिएगा क्योंकि हमने इस पे घी लगाया होता है और इसकी कटिंग की होती है तो ये नीचे चिपकने का डर होता है। ये देखिए ऐसे। अब हम इसके ऊपर दोबारा से घी लगा लेंगे। नाइफ की हेल्प से भी लगा सकते हो आप या फिर स्पून की हेल्प से भी घी लगा सकते हो। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हो। अभी दोबारा से हम लोग आटा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। अब इसे हमने ऐसे रोल कर लेना है। और इसको यूं नीचे से देखिए अब हम इसको बेल लेते हैं। बहुत हल्के हाथों से बेलिएगा। हमने इसमें घी या रिफाइंड जो भी लगाया होता है उसके कारण ना चिपकता है, नीचे चिपकता है, लेयर्स हमारी खराब हो जाती हैं। देखिए हो गया। मीडियम आंच पे मैंने गरम किया हुआ है। लच्छेदार परांठा ऊपर डाल दीजिए और इसको मीडियम फ्लेम पे बनाइए। देखिए हमारा एक तरफ से लच्छा परांठा सिक चुका है, अब दूसरी तरफ इसको पलटा लीजिए। अब मैंने इसको रोलिंग बोर्ड पे बनाया है तो इसलिए छोटा बना है। अगर आप शेल्फ के ऊपर इसको अच्छे से बेल लीजिए तो वो बड़ा बनेगा आपका। अभी हल्के हाथों से इस पे ऑयल लगा लीजिए। फिर ऊपर से ऑयल लगा के आप इसको प्रेस करते जाइए। देखिए इसमें कोई तामझाम नहीं है, मैंने कोई
पहले घी डाल के या मोइन डाल के कुछ ऐसा आटा नहीं गूंदा, सिंपल चपाती वाला आटा। बेटे का मन था लच्छा परांठा खाने का, तो सिंपल आटा मैंने उसी से ही बना दिया है। देखिए हमारा कितना अच्छे से सिक चुका है, और ये देखो लेयर्स तो अभी से दिख रही है इसकी। मैंने इसको पलटाया है, फ्लिप कर दिया, देखिए लेयर्स कितनी अच्छी लेयर्स निकल के आई है ना। अगर यही मैं मोइन लगे हुए आटे में बनाती, उसमें थोड़ी सी शुगर भी मिक्स करके बनाती, तो ये और भी अच्छा होता। लच्छे परांठे की कितनी अच्छी लेयर्स निकल के आ रही हैं, और ये सिंपल आटे से बना हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।